good day. One stop for all food lovers. One stop for all food lovers. नमस्कार दोस्तों, आज मैं बनाने जा रही हूँ तड़के वाले चने दाल। इसके लिए इंग्रेडिएंट्स चाहिए। सबसे पहले 1.5 कटोरी चने दाल को धो के और इसमें हल्दी और नमक इसको कुकर में कुक करना है। कुकर में 2 गिलास पानी डाल के इसमें चना दाल धोए हुए इसको डाल दें। इसमें नमक स्वाद अनुसार डालें, हल्दी 1 छोटा चम्मच, इसको मीडियम आंच पर 4 सीटी आने तक कुक करें। तड़के के लिए चाहिए 2 प्याज बारीक कटा हुआ, लहसुन बारीक कटा हुआ, अदरक बारीक कुटी हुई, लाल मिर्च, तेज़पत्ता, 2 टमाटर बड़ा बारीक कटा हुआ, हरा मिर्च, देसी घी। वैसे नमक तो पड़ चुकी है लेकिन थोड़ा सा और डालना पड़ेगा, और धनिया पत्ता, जीरा, लाल मिर्च 1/2 चम्मच। सबसे पहले कढ़ाई बैठाएं, उसमें आप 2 चम्मच घी डालें, देसी घी। घी गर्म हो चुकी है, अब इसमें आप 1 चम्मच जीरा डालें। अब इसमें लहसुन और अदरक डालें। हरी मिर्च डालें। तड़का और लाल मिर्च डालें। अब इसे लाइट ब्राउन होना है। अब इसमें लाइट ब्राउन हो चुका है, अब इसमें प्याज डालें। प्याज को डार्क ब्राउन भुनना है और इसमें थोड़ा सा आप नमक डाल दें, क्योंकि दाल में पहले से ही नमक है। प्याज ब्राउन हो चुका है, अब इसमें आप टमाटर डाल दें। लाल मिर्च डालें। अब इसे 5 मिनट तक उबालें। चना दाल इस तरह से कुक हो गया है, अब इसे हम तड़का में डालेंगे। अब इसमें दाल आप डालें, चना दाल। अब इसे चलाएं। ज़्यादा गाढ़ी है तो थोड़ा सा पानी मिला दें इसमें, थोड़ा सा पानी इसमें डाल दें। अब इसे 5 मिनट तक छोड़ दें, उबल जाएगा तो ये दाल तैयार है। अब इसे धनिया पत्ती के साथ गार्निशिंग करेंगे और फिर सर्व करेंगे। अब उबल चुकी है, इसमें धनिया पत्ती डाल दें। ये चने दाल तड़के वाली तैयार है। अब हम इसके ऊपर से घी का और मिर्च, लाल मिर्च का तड़का लगाएंगे। तड़का के लिए इसमें थोड़ा सा 1 चम्मच घी डालें हैं, देसी घी, और उसमें थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डालें। इस तरह से तड़के वाली दाल तैयार है। आप इसे घर में ट्राई करें और बताएं कि कैसी बनी है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना और शेयर करना नहीं भूलें। थैंक यू।